बच्चों, हम 8वीं जमात का साइंस का तीसरा चैप्टर देख रहे थे, कुवत और दबाव। इसका पहला पार्ट मैंने आपको दिया था। पहले पार्ट में मैंने वहाँ पर बताया था कि कुवत किसे कहते हैं और कुवत की कौन कौन सी किस्में हैं। मुतालिका कुवत, गैर मुतालिका कुवत, मुतवाजन कुवत, गैर मुतवाजन कुवत। उसके बाद दबाव के बारे में मैंने बताया था, कितने टाइप के दबाव हैं। दबाव में मैंने बताया था कि ठोस पर दबाव का क्या असर होता है, मायع पर क्या होता है और गैस पर क्या होता है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो आज का पहला टॉपिक है फिजाई दबाव। तो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे अतराफ में हवा है, तो हवा की वजह से जो भी दबाव बनता है या हम पर पड़ता है, उस दबाव को हम फिजाई दबाव कहते हैं। अलग अलग जगह पर फिजाई दबाव मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर हम समंदर के किनारे पर चले जाएं, तो वहाँ पर फिजाई दबाव ज़्यादा होगा। अगर उससे थोड़ा दूर रहें तो फिजाई दबाव कम होगा। अगर सतह ज़मीन है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सतह है, और सतह ज़मीन से अगर हम 16 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, तो 16 किलोमीटर तक के दायरे में हवा अच्छी रहेगी, पूरी हवा वहाँ पर रहेगी। फिर 16 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के दरमियान में हवा मामूली हो जाएगी, मतलब हवा बहुत कम हो जाएगी। और अगर उसके ऊपर जाएंगे तो हवा एकदम ना के बराबर रहेगी, वहाँ पर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर वगैरह में कि जब स्पेस पर जाते हैं तो बहुत सारे मास्क लगे रहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, तो उसकी वजह यह है कि स्पेस में हवा नहीं है, वहाँ पर हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो बहरहाल फिजाई दबाव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फिजाई दबाव की यहाँ पर तारीफ है, हवा की वजह से पैदा होने वाला दबाव ही फिजाई दबाव कहलाता है। ज़मीन के अतराफ हवा का ग्लाफ है, इस ग्लाफ को ही फिजा कहते हैं। सतह ज़मीन से 16 किलोमीटर बुलंदी तक फिजा है, इसके आगे तकरीबन 400 किलोमीटर तक फिजा बहुत ही हल्की है। ये सारी मालूमात मैंने भी आपको बताया। और सतह समंदर में पर मौजूद हवा के दबाव को एक एटमोसफेयर कहते हैं। तो जैसे मैंने दबाव की इकाई बताया था आपको, दबाव की इकाई है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह फिजाई दबाव की इकाई है हेक्टो पास्कल। फिजाई दबाव की इकाई हेक्टो पास्कल है। तो अब फिजाई दबाव के बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, तो तमाम लोग ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। तो आपको दिख रहा होगा चार शक्ल यहाँ पर हैं, ए बी सी डी, चार बॉक्स हैं, उनको मैंने ए बी सी डी नाम दिया है। पहले बॉक्स में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 5 गेंदें रखी हुई हैं, दूसरे बॉक्स में 10 है, तीसरा बॉक्स थोड़ा बड़ा है और उसमें 5 गेंदें हैं, और चौथे बॉक्स में सिर्फ 5 गेंदें वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले कमियत। अभी मैंने आपको पूछा कि बॉक्स की कमियत कितना है, तो बॉक्स की कमियत मतलब वजन, आप कह सकते हैं कि बॉक्स का वजन कितना है, कमियत मतलब वजन। उसके बाद एक टॉपिक है हजम। अब हजम क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है, अगर हम इस बॉक्स को, पूरे बॉक्स को पानी से भर दें, तो इस बॉक्स को भरने के लिए जितना पानी दरकार होगा, वो सारा का सारा पानी क्या कहलाएगा, इस बॉक्स का हजम कहलाएगा। हजम मतलब कि उस बॉक्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है अब सामान रखने की। तो जितना भी सामान हम उसके अंदर रख सकते हैं, वो सारी की सारी उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, उस बॉक्स का हजम कहलाएगी। तो जैसे आप सी देखें, सी में आप देखेंगे तो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, तो इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, उसके अंदर हम बहुत बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं दूसरों के कंपेयर में, तो इसका जो हजम होगा, इसका हजम ज़्यादा होगा।
उसके बाद एक टॉपिक है कसाफत, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखें यहाँ पर कसाफत मतलब क्या होता है। बॉक्स ए के अंदर आप देखो, बॉक्स बी के अंदर आप देखो, बॉक्स ए के अंदर सिर्फ 5 गेंदे हैं और बॉक्स बी के अंदर 10 गेंदे हैं। तो आप देखेंगे बॉक्स बी के अंदर जो हिस्सा, खाली हिस्सा है वो कम है और बॉक्स ए के अंदर जो हिस्सा खाली है वो ज़्यादा है। तो बॉक्स बी ज़्यादा डेंस है, डेंस मतलब उसके अंदर कसाफत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा भरा हुआ है, और ए के अंदर कसाफत कम है, वो खाली खाली है पूरा, तो वो कम कसाफत है। उसी तरीके से अगर हम सी देखते हैं, बॉक्स सी, बॉक्स सी के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 गेंदे हैं। तो 5 गेंदे हैं तो देखें यहाँ पर बिल्कुल पूरा खाली खाली हिस्सा है यहाँ पर, तो ये पूरा का इसके अंदर देखेंगे तो हम कसाफत बहुत ही कम है। तो कसाफत मतलब कि कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है कि उसके अंदर खालीपन कितना है, भरा हुआ कितना है, वो नापने के लिए हम कसाफत का इस्तेमाल करते हैं, कसाफत टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक शक्ल और है, तो पहली शक्ल में आप देखेंगे यहाँ पर एक कम कसाफत वाली चीज़ है, तो वो पानी पर तैर रही है। दूसरा आप देखें यहाँ पर देखेंगे तो इसकी कसाफत पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा है, तो वो पानी के नीचे डूब जाती है। और अगर तीसरा वाला देखेंगे तो इसके अंदर कसाफत और ज़्यादा है, तो ये पानी की सतह पर आकर लग जाती है। तो कोई शय डूबेगी डूबेगी तैरेगी या फिर पानी के बीच में ही रहेगी, वो कसाफत के ऊपर मुनसिर होता है। जिस चीज़ की कसाफत, कसाफत मतलब रिजिडनेस, के कितना ठोस है सामान, तो उसका उसका पता कसाफत के जरिए चलता है। तो अब यहाँ पर और भी यहाँ पर मैंने मिसालें ली थी, जैसे आप पहले बॉक्स के अंदर देखें ज़्यादा बॉल भरी हुई हैं, तो ज़्यादा भरी हुई है इसका मतलब ये है कि इसकी कसाफत ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस है, भरा हुआ है। लेकिन आप अगर इस बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर कम गेंदे हैं, बीच में खाली जगह ज़्यादा है, तो लो डेंसिटी मतलब बहुत कम कसाफत है इसके अंदर। तो कसाफत मालूम करने के लिए जाप्ता है, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। कमियत का मतलब मैंने बताया यहाँ पर आपको, और हजम का मतलब यहाँ पर बताया। कसाफत की इकाई है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर आप जाप्ते में देखें कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। अब कमियत का मतलब मैंने आपको बताया था वजन, वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, तो किलोग्राम फिर बटे हजम, हजम को मीटर क्यूब में नापते हैं, तो ये मीटर क्यूब, तो इसलिए कसाफत की इकाई आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद निस्बती कसाफत, निस्बती कसाफत को दो चीज़ों का मुआवजना करने के लिए करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लास्टिक है और एक लोहा है। अगर अगर लोहे को 5 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा, सॉरी हाँ 5 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा है, उसे अगर एक तालाब के अंदर डाला जाए और 5 किलोग्राम की एक चेयर है, 5 किलोग्राम की एक प्लास्टिक की चेयर है, उसको पानी के अंदर डाला जाए, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो चेयर है वो मुकम्मल तौर पर नहीं डूबेगी, पानी के ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन जो लोहे का टुकड़ा है 5 किलोग्राम का, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। दोनों का वजन सेम है, एक चीज़ उसमें डूब रही है, एक चीज़ नहीं डूब रही है, तो ये कसाफत की बिना पर है। जो लोहे का जो बड़ा टुकड़ा है तो उसके अंदर रिजिडनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डूब जाता है, और लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर उतनी रिजिडनेस नहीं है जितनी लोहे के अंदर है, तो इसलिए वो पानी पर तैरता है। तो लोहे की कसाफत ज़्यादा है या प्लास्टिक की कसाफत ज़्यादा है, उसको नापने के लिए हम निस्बती कसाफत का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जाप्ता है शय की कसाफत बटे पानी की कसाफत। शय मतलब जिस चीज़ की कसाफत आप मालूम कर रहे हैं वो आपको बताना है। जैसे
लोहे की कसाफत, तो शय की जगह पर हम लोहा लिखेंगे, लोहे की कसाफत बटे पानी की कसाफत। चूंकि ये निस्बती कसाफत है, निस्बत मतलब बटे वाली कसाफत है, तो इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है, निस्बती कसाफत की कोई भी इकाई नहीं होती। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ शक्ल। यहाँ पर पहला गिलास आप देखें, पहले गिलास में एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का एक क्यूब है, उसको जो पानी के अंदर डाला गया तो वो मुकम्मल तौर पर नीचे डूब जाता है। दूसरे गिलास में आप देखें, यहाँ पर बर्फ के दो टुकड़े हैं, जब उनको पानी के अंदर डालते हैं तो वो सतह पर वहीं पर थोड़ा ऊपर नीचे हिलते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। उसी तरीके से तीसरी शक्ल आप देखें, पहले खाली बॉटल को टब के अंदर डाला गया तो खाली बॉटल टब के ऊपर तैरती है, फिर बॉटल के अंदर पानी भरा गया, उसको टब के अंदर डाला गया तो वो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन वो ऊपर नीचे वहां पर हिलते रहती है और तैरते रहती है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो जैसे बर्फ का टुकड़ा है तो वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसको ऊपर जाने पर फोर्स कर रही है, जो इसको दबाव डाल रही है? तो जिस दबाव की बिना पर कोई शय नीचे से ऊपर जाती है, तो उस दबाव को हम कुव्वते उछाल कहते हैं या बायोयंट फोर्स कहते हैं। और बायोयंट फोर्स को एफ बी इस तरीके से जाहिर करेंगे, एफ मतलब फोर्स, फिर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे बी मतलब बायोयंट फोर्स। तो कुव्वते उछाल की तारीफ है, पानी या किसी भी महलूल या हवा में मौजूद शय पर ऊपर की सिमत अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वते उछाल कहते हैं। मतलब माए के अंदर अगर कोई चीज को डुबोया जाए, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की सिमत जाती है, जिस कुव्वत की बिना पर वो जाती है, उसे कुव्वते उछाल कहते हैं। अब कुव्वते उछाल के बारे में दो चीजें याद रखना है। पहला, माए में डूबने वाली अशिया का हजम जितना ज्यादा होगा, कुव्वते उछाल उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर जैसे मैंने प्लास्टिक की मिसाल यहाँ पर आपको दिया, प्लास्टिक की बॉटल है, आप देख रहे हो उसको कि वो पानी पर तैर रही है, खाली बॉटल है मतलब इसका पूरा अंदर का हिस्सा खाली है, मतलब इसका हजम कम है, इसके कसाफत बहुत कम है, तो इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रही है। लेकिन अगर हम उसको पूरा भर दें, मतलब अगर इसकी कसाफत मुकम्मल तौर पर हम पूरी भर दें, कसाफत ज्यादा कर दें इसकी, तो बॉटल पानी के अंदर डूब जाएगी। यही आपका पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट, कसाफत जितनी हो कुव्वते उछाल उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसकी कसाफत ज्यादा है तो ये जब नीचे जाएगा पानी के नीचे, और कुव्वते उछाल की वजह से ऐसा ऊपर नीचे ये बॉटल हिलते रहेगी। फिर कुव्वते उछाल की खसूसियत है, यहाँ पर आप देखेंगे, पहली खासियत, शय की कमियत से कुव्वते उछाल ज्यादा हो तो शय तैरती है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, शय की कमियत कुव्वते उछाल से ज्यादा हो तो शय डूबती है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, शय का वजन और कुव्वते उछाल मसावी हो तो शय माए के अंदर तैरती रहेगी। तो ये कुव्वते उछाल की तीन खसूसियत हैं। अब उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आर्शमिदस का उसूल। तो क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, एक बीकर रखा हुआ है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी जहाँ तक भरा हुआ है उसके ऊपर बाहर निकलने का एक रास्ता बनाया गया,
एक टंकी लगाई गई और उस टंकी के नीचे एक गिलास रखा गया। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि एक पत्थर आप कह सकते हैं, एक रिजिड पत्थर पानी के अंदर डुबोया गया। तो अगर पत्थर को हम मुकम्मल तौर पर डुबो देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि पानी बाहर आता है उसको डुबोने की वजह से। तो पत्थर का जितना वजन होगा, पत्थर का जितना वजन होगा तो उतने ही वजन का पानी बाहर आएगा। यही अर्किमिडीज का उसूल है कि जब किसी माये में कोई ठोस चीज डुबोई जाए तो जितना उसको माये के अंदर डुबोया जाएगा, माये के अंदर वो जितनी जगह घेरेगी वो ठोस चीज उसकी उसके वजन के बराबर का पानी उसके वजन के बराबर का पानी वहां से हट जाएगा। ये आर्किमिडीज का उसूल है। यहाँ पर आप लोग और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। 3 बीकर मैंने लिए हैं, यहाँ पर देखो पानी जहां तक भरा हुआ है वहां पर मैंने एक लेवल लगा कर रखा है, वहां पर एक निशान है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बॉक्स है, बॉक्स को मैंने आधा पानी के अंदर डुबोया। ये एक रिजिड रिजिड बॉक्स है, इसको मैंने पानी के अंदर डुबोया। तो देखो पानी जो मैंने लेवल लगाया था, जो मैंने निशान लगाया था, निशान के ऊपर पानी चला गया। मतलब जितना पानी ये एक्स्ट्रा आया है ऊपर का, इसका वजन जितना हिस्सा डूबा डूबा हुआ है उस शय का, उन दोनों का वजन बराबर होगा। तो आर्किमिडीज का उसूल है, किसी किसी शय को जुजवी जुजवी मतलब आधा या मुकम्मल तौर पर माये में डुबोने से इस पर ऊपर की सिमत कुव्वत अमल करती है। ये कुव्वत उस शय के जरिए हटाए गए माये के वजन के बराबर होती है। मतलब अगर माये के अंदर किसी ठोस चीज को डुबोया जाए तो कितना पानी हटेगा, उस शय के वजन के बराबर पानी हटेगा। तो ये आर्किमिडीज का उसूल है। अब यहाँ पे आर्किमिडीज के उसूल का इस्तेमाल है, दो जगह पर यहाँ पर दिया गया है। पहला, जहाज और आबदोज कश्तियों की बनावट में इस उसूल का इस्तेमाल करते हैं। आबदोज कश्ती मतलब सबमरीन, सबमरीन वगैरह जो बनाई जाती है उसमें बनाने के लिए आर्किमिडीज के उसूल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर मतलब दूध की जांच का आला, मतलब दूध में कितना पानी है वगैरह नापने के लिए, और रतूबत पैमा जैसे आलात इसी उसूल पर मबनी हैं। तो आर्किमिडीज का उसूल इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर था हमारा, कुव्वत और दबाव, ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब इसका एक पार्ट बाकी है, सवाल जवाब वगैरह करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सवाल जवाब हम लोग हल करेंगे या लिखेंगे।